वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ श्वेता सिंह और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर 65, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और घर पे बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि पनीर 65 बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम के लगभग है पनीर। पनीर को मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है, तो आप जैसे पसंद हो वैसा काट सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखा वाला नहीं है, बस कलर के लिए इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता कटा हुआ। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, तो ये ऑप्शनल है। आप कटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, नहीं तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और अब मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू ज़्यादा अच्छा लगता है इस रेसिपी में। तो अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 चम्मच के लगभग है कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच के लगभग डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मैदा डाला और 3 चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत संभाल के मिक्स करना है ताकि पनीर हमारा बिल्कुल भी टूटे नहीं। और काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग भजिया वगैरह बनाते हैं ना, तो ये बैटर जो है इसमें पूरा मिक्स होके बिल्कुल भजिया की ही कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैं संभाल के मिक्स कर रही हूँ ताकि ये मिक्स भी हो जाए और पनीर हमारा टूटे भी नहीं। तो यहाँ पे ये काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। और थोड़ा सा ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। आपको अगर कॉर्नफ्लोर और मैदा थोड़ा कम लगता है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैं मिला रही हूँ, तो अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो आप चाहें तो ऐसा रखें, नहीं तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के आप थोड़ा सा इसे ढीला भी रख सकते हैं, और ऐसे भी रखेंगे तब भी चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं गैस पर रखूँगी कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल को हमें काफ़ी अच्छा गर्म कर लेना है ताकि ये हम जब डालें फ्राई होने के लिए तो ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाए। इस टाइम पे तेल काफ़ी अच्छा गरम होना चाहिए। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, तो फटाफट से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा और गीला भी रहेगा तब भी ये बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग होगी। तो फिलहाल मैंने इसे ऐसे ही रखा है, ऐसे भी ये बहुत अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बारी बारी से डाल के तल रही हूँ। तो एक साथ में इकट्ठे पूरे पनीर को नहीं डालेंगे, मैं 2 से 3 बार में इसे फ्राई की हूँ थोड़ा थोड़ा डाल के। तो बस ऐसे आप भी करिएगा, और बहुत सिंपल रेसिपी है। अगर आपको ये स्टार्टर के रूप में भी सर्व करना है तो बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो तो आप इसे घर पे बना सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी वगैरह रहती है या किटी पार्टी में भी आप इसे बना सकते हैं। आपकी फ्रेंड्स फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और बिल्कुल ये मार्केट वाला रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार होगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो इसे हमें हाई फ्लेम पे ही ऐसे फ्राई करना है। और ये आपस में चिपक गया है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जब भी हम इसे तेल से बाहर निकालेंगे ना, तो इसमें से पनीर को हम अलग कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी ये फ्राई हो रहा है। तो बस इसी तरीके से इसे हम फ्राई करेंगे, और अब हम इसे निकाल लेंगे। इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है जैसा हमें चाहिए, और ये काफ़ी क्रंची हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और बस इसी तरीके से और भी पनीर को फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको चिली पनीर वगैरह पसंद है तो आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे चिली पनीर की भी रेसिपी है, उसे भी आप ज़रूर विज़िट करिएगा। बिल्कुल मार्केट के जैसा पनीर चिली आप घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा बैच नहीं, ये फर्स्ट बैच का था, इसे मैंने खोल के निकाल लिया है, और दूसरा बैच हमारा फ्राई हो रहा है। तो
तो इसको भी हम वैसे ही फ्राई करेंगे। और इसका भी कलर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ चुका है। तो बस ऐसे ही हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए और चिपका रहेगा तो उसे हम प्लेट में निकालने के बाद अलग भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल मार्केट वाला पनीर 65 आप घर पे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। तो ये आप देख सकते हैं ये सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और जो चिपका है आपस में उसे खोल के अलग कर लेंगे। और ये थर्ड बैच भी मैंने डाल दिया था और ये भी लगभग हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो बस ये पनीर 65 हमारा फ्राई होके तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये कितना ज़्यादा क्रंची लग रहा है। और ऐसे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें तड़का लगाने वाले हैं। तो कढ़ाई में से एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया था और उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा करी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्च को मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया था वो भी डाल देंगे, थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च को भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और साथ में ही मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। और अगर आपको बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट चाहिए ना, तो इसमें से कोई भी चीज़ को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाला ही आएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें 2 चम्मच डाल दे रही हूँ रेड चिली सॉस, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप लाल मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच डाला है काली मिर्च का पाउडर, अगर आप लाल मिर्च का पेस्ट डालेंगे तो साथ में थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करिएगा, नहीं तो आप रेड चिल्ली सॉस डालिए और ये बहुत अच्छा बनेगा। तो इसे मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा मैं नमक डाल दे रही हूँ। नमक को बैलेंस करके डालना है क्योंकि इसके पहले भी हमने पनीर को फ्राई करने से पहले जब मैरिनेट किया था तो उसमें भी नमक डाला था। और यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम के लगभग दही है, दही को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे दही हमारी फटेगी नहीं। और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, आपके पास रेड कलर है या ऑरेंज कलर है तो डालिए, अगर कलर नहीं है तो आप 1 चम्मच लाल मिर्च डालिए बिना तीखा वाला, सिर्फ कलर के लिए। और अगर आपको मार्केट वाला लुक चाहिए तो आप रेड या ऑरेंज कलर यूज कर सकते हैं। और कलर और कॉर्नफ्लोर को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में, इससे दही हमारी जब कढ़ाई में जाएगी तो बिल्कुल भी फटेगी नहीं और लुक इसका बिल्कुल मार्केट वाला ही आएगा। और इसमें दही डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाला आता है। तो एक भी स्टेप को आप मिस मत करिएगा। तो यहाँ पर ये दही जो मैंने मिक्स किया था कलर और कॉर्नफ्लोर के साथ में, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से भूनना शुरू कर देंगे। और इस टाइम पे गैस की हीट है वो हाई हीट पे है गैस, तो बस लगातार इसे हम ऐसे ही चला के थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से भुना है लेकिन ये फटा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करते ना तो दही बिल्कुल फटी फटी सी दिखती और वो फिर हमारा पनीर 65 का लुक पूरा ख़राब कर देता। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ पनीर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको बिल्कुल क्रंची रखना है ना, तो बस आप जब पनीर डालिए तो उस स्टेज पे गैस को बंद कर दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा इसे सॉफ्ट रखना है तो गैस ऑन रखिए और लगातार ऐसे चलाते हुए इसे मिला लीजिए, ये आपकी चॉइस है। और ये पनीर 65 हमारा बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर ये कुछ ऑरेंज टाइप का दिख रहा है, अगर आप रेड चिली पाउडर या रेड कलर डालेंगे तो बिल्कुल रेड रेड दिखेगा। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे अच्छे से ऐसे ही हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं हरी धनिया के साथ में मैंने इसे गार्निश कर दिया है और ये पनीर 65 हमारा बनके तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आता है और बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को।
और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और इसे ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो ऐसी ही और भी रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखिए, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करिए, और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आप सबके लिए मैं कुछ अलग कुछ नया लाती रहूँ अपने चैनल पर। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो रेसिपी बनाऊँ वो बहुत ही कम चीज़ों में बने और बहुत अच्छी बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक।